अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रीट फूड बाय उमेरा। और कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। तो आज मैं मेरे इस चैनल पे आपको एक नए तरीके के पकोड़े की रेसिपी बताने वाली हूँ। आज मैं हम इस चैनल मेरे इस चैनल पे बनाने जा रहे हैं कॉर्न के पकोड़े। ये बहुत टेस्टी होते हैं फ्रेंड्स और सिंपल भी होते हैं बनाने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि कॉर्न के पकोड़े बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो कॉर्न के पकोड़े बनाने के लिए हमें चाहिए ये जो हमारे कॉर्न होते हैं, ये मैंने एक बाउल ले लिए फ्रेंड्स। मैंने चावल का आटा ले लिया फ्रेंड्स। चावल का आटा हमें अपने हिसाब से मिक्स करते जाना है। ये घर में जो चावल अवेलेबल होते हैं उसको ही मैंने ग्राइंड कर लिया है। मैंने एक कप बेसन का आटा ले लिया है फ्रेंड्स। थोड़ी सी कोथमीर एक बाउल में ले लिया है मैंने, अच्छे से इसको कट कर लिया है फ्रेंड्स। नमक ले लिया है मैंने एक टेबल स्पून, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। आधा टेबल स्पून मैंने हल्दी पाउडर ले लिया है फ्रेंड्स। और ये मैंने पिसी मिर्ची ली है, ग्रीन चिली एक टेबल स्पून ली है फ्रेंड्स। पीसने के बाद इसमें मैंने ज़ीरा भी थोड़ा सा मिक्स कर दिया था। और फ्राइंग के लिए मैंने ऑयल ले लिया है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें पकोड़े बनाने के लिए पहले ये जो हमारे कॉर्न के जो दाने हैं इसको हम क्या करेंगे, इसको हम पहले पीस लेंगे फ्रेंड्स। तो एक मिक्सर के जार में आप इसे डाल दें और ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है फ्रेंड्स। मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ा दरदरा मोटा ही रखना है फ्रेंड्स हमें इसे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे पीस लिया है, हमें इसे ऐसे रखना है, पूरा फाइन पेस्ट नहीं बनाना है फ्रेंड्स। तो चलिए हम जो बचा हुए हमारे कॉर्न के दाने हैं वो भी पीस लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने इसे पीस लिया है, ज़्यादा बारीक नहीं किया है। हमें क्या करना है, पीसने के बाद ऐसे जो हमारी जाली होती है, घर में अवेलेबल होती है हमारे, ऐसे जाली में हमें उसे निकाल देना है और ऐसे प्रेस कर करके इसका पानी निकाल देना है फ्रेंड्स। और चाहे तो आप इसे आधा घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ सकते हैं, क्योंकि जो इसका एक्सेस वाटर है, जो पानी है, वो सब निकल जाएगा। या तो ऐसे आप प्रेस करके इसका पूरा पानी निकाल दीजिए। मैंने इसका पानी थोड़ा निकाल दिया, अब इसे हम 20 मिनट्स के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे फ्रेंड्स। 20 मिनट्स के बाद फिर हम इसे मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स 15 से 20 मिनट्स हो चुके हैं, इसे हमें जो हमने जो जाली में रखा था उसे। और मैंने क्या किया है, थोड़ा सा हाथ से भी इसको प्रेस करके इसका पूरा जो एक्सेस वाटर है, ज़्यादा पानी, वो मैंने निकाल दिया था। तो चलिए अब हम हमारे पकौड़े का बैटर मिक्स करते हैं। और उससे पहले मैंने क्या किया है, ये जो तेल है वो मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है फ्रेंड्स। आप लोग देख सकते हैं मेरा तेल है वो गर्म हो रहा है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग हमारा पकोड़े का बैटर तैयार कर लेते हैं। इसमें मैंने हल्दी ऐड कर दिए फ्रेंड्स, ये जो हमारे मिर्ची पाउडर का मिर्ची का पेस्ट है, ग्रीन चिली का, वो पूरा ऐड कर लिया फ्रेंड्स। ये मैंने धनिया जो कोथमीर थी वो पूरी डाल दी है फ्रेंड्स। नमक आप अपने स्वाद अनुसार लीजिए, मैंने एक टेबल स्पून भर के लिया है। अब ये जो चावल का आटा है जो मैंने घर में पीसा हुआ है, पहले मैं इसे 3 चम्मच इसमें ऐड कर दूंगी, ठीक है। और ये जो बेसन का आटा है इसे भी मैं लगभग 3 से 4 चम्मच ऐड कर लूँगी फ्रेंड्स। आपको तब तक ऐड करना है जब तक हमारे जो पकोड़े हैं वो बन ना जाए प्रॉपर, ठीक है। अभी इसे आप अच्छे से हाथ से ही मिक्स कीजिएगा फ्रेंड, क्योंकि स्पून से आपको समझ नहीं पड़ेगा कि हमारे पकोड़े बनने के लिए रेडी है या नहीं रेडी है। देखिए आप लोग, मैं हाथ से ही इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, ये देख सकते हैं आप लोग फ्रेंड्स। बट मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा बेसन का जो आटा है हमें ये 1 चम्मच ही डालिएगा बस। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स। और कॉर्न का टेस्ट थोड़ा सा स्वीट होता है, अगर आप चाहो तो और ज़्यादा ग्रीन चिली यानी मिर्ची का जो मैंने पेस्ट बनाया था वो और ज़्यादा
थोड़ा सा आप बढ़ा सकते हो उसका मेजरमेंट या जो भी है आपकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। बट ये कैसे होते हैं, थोड़े से स्वीट स्पाइसी और सॉल्टी होते हैं हमारे जो पकोड़े होते हैं। तो देखिए अब ये एकदम प्रॉपर रेडी है फ्रेंड्स, हमारे पकोड़े एकदम प्रॉपरली बन जाएंगे फ्रेंड्स इसमें। तो देखिए फ्रेंड्स अब हम चेक करते हैं हमारा जो ऑयल है वो गर्म हुआ है या नहीं। देखिए फ्रेंड्स ये हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, गैस हमें मीडियम पे रखना है फ्रेंड्स। और ये जो है इसे हमें क्या करना है, गोल पकोड़े नहीं बनाने, ऐसे थोड़ा सा फ्लैटन कर देना है इसको, बिस्मिल्ला ऐसे करके। आप देख सकते हैं तेल मेरा अच्छे से गर्म हो चुका है। और एक बार आप जब इसमें सारे पकोड़े ये जब ऐड कर दोगे तो गैस को थोड़ा सा फास्ट करके कुक कर लो। ध्यान रखिए ये जलना नहीं चाहिए फ्रेंड्स, अगर ये जल जाएगा तो टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। गैस मैंने अभी मीडियम पे रखा है फ्रेंड्स, थोड़ा एक मिनट के बाद उसको हम क्या करेंगे फास्ट पे कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स मैंने जो हमारा गैस है उसको फास्ट इस पर कर दिया है, फास्ट इस पर कर दिया है आँच पे। आप देख सकते हैं हमारे जो पकोड़े हैं वो फ्राई हो रहे हैं। अगर तेल अच्छे से गर्म होगा ना फ्रेंड्स अपने आप ये नीचे चिपकेगे नहीं। देखिए आप लोग देख सकते हैं इसका एक दो मिनट के बाद जो है वो कलर चेंज हो चुका है, ये गोल्डन हो चुके हैं। ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है बट एटलीस्ट वो अच्छे से कुक हो जाए तब तक हमें इसे फ्राई करते रहना है। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारे जो पकोड़े हैं वो रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने इसको ज़्यादा बिल्कुल भी कुक नहीं किया है तो ये ब्लैक नहीं हुए, ये ब्राउन ही है। तो चलिए ऐसे और हमारे जो पकोड़े हैं हम वो फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारे जो कॉर्न के पकोड़े हैं वो एकदम रेडी है, ये बहुत टेस्टी बनते हैं फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये पकोड़े कैसे लगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल स्ट्रीट फूड बाय होमेरा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।